नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टर अड्डा पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आंसर क्यों डाउनलोड नहीं हो रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप अब लॉगिन कर रहे हो तो आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रहा है कि लॉगिन इज नॉट अलाउड फॉर योर एप्लीकेशन, ऐसा लिख के आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है, मैं एकदम वैलिड रीजन बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलती है, न्यूज़ मिलती है जो कहीं पर नहीं मिलती। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए अब क्या हो रहा है कि अब लॉगिन कर रहे हो तो अब मैं लिख के आ रहा है लॉगिन नॉट अलाउड फॉर योर एप्लीकेशन, ऐसा लिख के क्यों आ रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि आंसर की कल से ही लोग देखना शुरू कर दिए थे गलत तरीके से। उसमें गलत तरीके से हो रहा था कि उसमें URL कॉपी करना और उसको अनऑथराइज तरीके से, जो सीआरपीएफ अलाउ नहीं करता, जो एक तरह से देखा जाए कि जो जेन्युइन तरीका नहीं है, उस तरह से लोग करने लगे। उसके बाद हुआ क्या, जब सीआरपीएफ को ये चीज़ें पता चलने, तो पता तो चल जाएगा या सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें, कई कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे हुए वहाँ पर जो आप कर रहे हो वो सब बना रहे वेबसाइट, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, एक जो आपको पॉपअप खुल के आ रहा है कि लॉगिन इज नॉट अलाउड फॉर योर एप्लीकेशन, ये क्यों लिख के आ रहा है, ये उनके लिए लिख के आ रहा है जो पहले क्या कर रहे थे, जो URL कॉपी कर रहे थे। क्योंकि अगर पहले क्या था, ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जा रहा था, तो एप्लीकेशन फॉर्म खुलने के बाद वहाँ से लोग URL कॉपी कर लेते, तो अब एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं खुलेगा तो URL कॉपी कैसे करेंगे, समझ रहे हो। तो सीआरपीएफ ने क्या किया कि अब क्या कर दिया है कि जो पहले डेट वाले हैं, जैसे 22 से 24 वाले, इनका आंसर की रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एक साथ सब अगर डाउनलोड करेंगे तो वेबसाइट पर काफ़ी लोड आ जाएगा, तो उन्होंने क्या किया डे बाय डे, इसलिए 17 तारीख से 20 तारीख तक आंसर की ओपन हो रही है। अभी कल तक देखिएगा, कल तक और डेट वालों का भी आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा और अब और लोगों के लिए भी ओपन कर दी जाएगी। मगर ये हुआ इसलिए वजह से क्योंकि लोग गलत तरीके से, क्योंकि आंसर की सबको देखने का मन कर रहा है भाई कि मेरी आंसर की जल्दी दिख जाए, मुझे नंबर पता चल जाए, संतुष्ट, मतलब एक अंदर बहुत, मतलब इंसान इम्पेशेंस हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी धैर्य नहीं रह जाता। उस वजह से लोग कोई भी तरीका हो वो तरीका अपनाएंगे और आंसर की देखेंगे, उसी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आए। मेरा दोस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली में वर्क करता है, मैंने उसको बताया कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो उसने यही बताया कि जब होता क्या है कि लोग गलत तरीके से वेबसाइट में एंटर करना स्टार्ट करेंगे तो भाई हमें भी तो सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी कि कोई भी हमारी वेबसाइट पे ऐसा ना घुस जाए। तो जो वेबसाइट पे घुसने का जो रास्ता था, रास्ता क्या था, जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं खुलेगा, जब तक आपका लॉगिन ही नहीं होगा, तब तक आप URL कॉपी नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने क्या किया, अब लॉगिन ही हटा दिया, मतलब लॉगिन ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए 22 से 24 वालों का लॉगिन हो पा रहा है, कुछ कुछ का हो पा रहा है, मैंने अभी तक जो देखा हो पा रहा है, मैंने वीडियो भी बनाई थी उसमें दिखाया भी था, और उसके बाद वालों का नहीं हो पा रहा, रीजन यही है। तो अभी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका भी ओपन होगा और सब कुछ मिलेगा, ऑब्जेक्शन का टाइम भी मिलेगा, ऑब्जेक्शन कैसे करना है वो भी मैं बता रखा हूँ। तो इसका मेन रीजन यही है, ठीक है, बाकी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भी खुलेगा, कल तक आपका भी खुल जाएगा, ठीक है। मगर सीआरपीएफ क्या एक तरीका होता है कि कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें अपलोड कर दो। अब जैसे कि आप अपलोड करते वैसे इतना ज़्यादा लोड आ जाता है, इतना ज़्यादा क्राउड आ जाता है वेबसाइट पे कि उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए लोग सोचते हैं कि थोड़ा ट्रैफिक कम कर दें, और ट्रैफिक कम कर दें उसकी वजह से धीरे 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 करके, जैसे होता है ना कि ट्रैफिक लाइट लगी होती है, रेड लाइट लगी होती है, तो थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ जाती हैं तो जाम नहीं लगता, सेम वैसा चीज़ यहाँ पर वेबसाइट पर ट्रैफिक ना आए, इस वजह से ऐसी चीज़ें की गई थी। मगर लोग गलत तरीके से URL वगैरह कॉपी करके कर रहे थे, उस वजह से लोग को ऐसा करना पड़ा कि गेट ही बंद कर दो, गेट ही बंद कर दो, लोग एंटर ही नहीं कर पाएंगे, कहाँ से URL कॉपी करेंगे। तो यही तरीका था, इसी वजह से कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको कई सारी PDF मिल जाती है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो अभी के लिए अलविदा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।